करेंगे थोड़ा एक्सप्लोर, ठीक है? तो हमको डोर एस्केप के लिए नीडेड है, तो हम इसे नीचे जाके नीचे रख देते ताकि इसे नीचे लगाना है हमको, सो टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं। ओके गाइज, हमको व्रेंच मिल चुका है, तो व्रेंच हमें कहाँ पे यूज़ करना है मैं आपको बता देती हूँ। बेबी स्पाइडर के हाउस के यहाँ पे व्रेंच हमको यूज़ करना होता है, ठीक है गाइज? तो हम पहले यहाँ से व्रेंच ले लेते, और हमने वो वहाँ पे थ्रो करा था जिससे कि ग्रैनी डिस्ट्रैक्ट होके वहाँ पे चली जाएगी और हम यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। सो हमें अभी तक स्टन गन नहीं मिली है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे है स्टन गन की पोजीशन, यहाँ पर भी हो सकती है। सो गाइज, मैंने सही गेस करा था और हमको स्टन गन यहाँ पे मिल चुकी है। तो हमने ये नट बोल्ट हटाना है क्योंकि बेबी स्पाइडर के यहाँ पे हमको उस साइड जाने के लिए बीच में एक गटर रहता है, सीवर रहता है, तो उस सीवर को हमको पार करना होता है। तो हम देखो गाइस, ग्रैनी और शायद ग्रैनी ने मेरे को नहीं देखा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे जाएंगे और साउंड क्रिएट करेंगे जिससे कि ग्रैनी यहाँ पे आ सके, ठीक है गाइस? तो हमें ऐसे ही साउंड क्रिएट करना है जिससे कि ग्रैनी यहाँ पे आ जाए और हम ग्रैनी को शूट कर सकते हैं। तो गाइस, हमें इसमें बहुत वेट करना पड़ेगा, शायद ग्रैनी नहीं आ रही है या फिर यार दिख भी नहीं रहा कुछ। ओके सो ग्रैनी यहाँ पे नहीं है, सो हम निकल लेते हैं। ओके गाइस, तो हमें बेबी स्पाइडर को भी किल करना है और ग्रैनी को भी। सो इन दोनों में से पहले किसको किल करें, ये क्वेश्चन बहुत लोगों को आता है। सो हमें पहले ग्रैनी को किल करना है जिससे कि हम सेफ रहे, और बेबी स्पाइडर के मरने के बाद ग्रैनी वहाँ पे आती है तो हमें कुछ भी मतलब टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है? तो ग्रैनी देखो गाइस यहाँ से आ रही है, मेरे को दिखी थी। ओके